सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने मेक स्टार सलमान भाई के अपकमिंग धमाका यानी सिकंदर के बारे में। भाई लोग तीन चार दिनों से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही ढांसू चीज हो रहा है सिकंदर को लेके। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि बोरी वाली सेट के ऊपर जो है तगड़ा वाला रेलवे स्टेशन का सेट को यहाँ पे लगाया गया, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और भाई दो तीन दिन से जो है इसके ऊपर सलमान भाई बहुत ही तगड़ा वाला शूट कर रहे हैं। परसों यानी बुधवार को जो है भाई साहब वो तो सुबह से लेकर रात तक पूरा यहाँ पे घमासान जो है शूट चला। और ये जो रेलवे स्टेशन का सेट आप लोग देख रहे हो इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, मूवी के अंदर जब आप देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। मोस्ट एम्बिशियस सीन जो है सिकंदर मूवी का ये होने वाला है। तो इसके अंदर बेसिकली एक तगड़ा मास एक्शन सीन्स को जो है शूट किया जा रहा है। एंड इससे काफी सारे लोग ये कह सकते हो कि भाई जब से सिकंदर का शूट स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जब भी तुम शूटिंग के बारे में बताते हो हमेशा एक्शन सीन के बारे में बताते हो। भाई जब से हम सुन रहे हैं सिकंदर का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है तब से लेके अब तक खाली एक्शन ही हो रहा है। हाँ भाई मुझे भी पता है एक्शन सीन्स जो है बहुत बार हमने सुना है, वो धरावी का सेट हो, वो हैदराबाद वाला शेड्यूल हो, या फिर इससे पहले जो दो वाला शेड्यूल था, या फिर अभी ये जो बोरी वाला शेड्यूल को यहाँ पे लगाया गया ट्रेन वाला, इसके अंदर भी यहाँ पे एक्शन सीन को ही शूट किया जा रहा है। तो भाई एक्शन तो इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा है। एंड भाई एक्शन सीन्स को काफी मतलब तगड़े तरीके से प्रमोट भी किया गया है डायरेक्टर साहब के हिसाब से भी। और इससे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना एक्शन है उतना ही स्टोरी के अंदर पावर है। एंड जब आप मूवी देखोगे तो ये सेंस बनाएगा, ये जो एक्शन बार बार हो रहा है ना इसका सेंस बनाएगा। क्यों बनाएगा? जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जो एक्शन डायरेक्टर है एंड अपने डायरेक्टर साहब ने एयर मुर्गुदेव सर ने जो है खुला छूट दे दिया। तो इन तीन चार दिनों से सलमान भाई काफी ज्यादा शूट है क्योंकि डे नाइट शूट जो है इनको करने को मिल रहा है। मंडे टू ट्यूजडे टू वेडनेसडे पूरा दिन यहाँ पे शूट था और पूरा मतलब एक्शन सीन को यहाँ पे शूट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा हैट्रिक वाला शेड्यूल यहाँ पे चल रहा है और आज भी शूट चल रहा है। और ये जो ट्रेन वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा ये काफी मेजर पोर्शन जो है इस मूवी का होगा, इंटरेस्टिंग होगा। खाली एक्शन नहीं, कुछ यहाँ पे कॉन्वर्सेशन टाइप वाला सीन होगा जो कि आगे जाके एक्शन सीन के अंदर बदलेगा। एंड ये जो एक्शन एक्शन आप लोग सुन रहे हो ये वहां पे देखने को मिलने वाला है। तो इसमें भी काफी ज्यादा मजा आएगा। काफी सारे लोग ये भी कह सकते हो कि भाई सलमान भाई को तो हमने ऐसे काफी मूवीज के अंदर एक्शन करते हुए देखा है, बट ये जो एक्शन सीक्वेंस होगा ये कुछ अलग ही होगा। इसका कोरियोग्राफी, इसका ओवरऑल डिजाइनिंग, जिस तरीके से शूट किया गया, जिस तरीके से स्टोरी के साथ इसको नैरेट किया गया ये टोटली अलग होगा। उनके टाइम पे उनके ओजी मूवीज के अंदर एक्शन करा करते थे सेम वाइब आपको देखने को मिलेगा। वो जो सलमान खान का एग्रेशन होता था ना फेस के अंदर, जब वो एक मुक्का मारते थे एंड विलेन को लगता था, मतलब वो उसकी सेटिस्फेक्शन होता था ना ओजी सलमान खान फैंस का। हमें क्या हुआ ना पता है, जितने भी सलमान फैंस है ना उनको एक्शन को लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे होता ही था कि हाँ भाई एक्शन को उस तरीके से नहीं दिखाते, मजा नहीं आता। लेकिन आई होप इस मूवी के अंदर ना जितने भी सलमान फैंस है, जितने भी ओजी सलमान फैंस है, आई होप कि जितने भी सलमान फैन है सब ओजी है, बट जिन्होंने भी वॉन्टेड, बॉडीगार्ड उस टाइम पे ऐसे मूवीज देखे होंगे ना उनको पता होगा कि जो एक ऑरा आता था, एक वाइब आता था, वो शायद इस मूवी के अंदर मिलेगा। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर मिलने वाला है क्योंकि इस डायरेक्टर साहब से बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। एंड आई एम डैम श्योर कि भाई तगड़ा कुछ होगा एंड भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई 350+ लोगों के साथ जो है सलमान भाई ने इस पूरे सेट के अंदर जो है फाइट किया है, एक्शन सीन्स को शूट किया है और 50 से भी ज्यादा बंदों को पेला है इसके अंदर। मतलब जो एक्शन कोरियोग्राफर्स के साथ जितने भी स्टंट मैन थे, जितने भी 50+ थे उनके साथ जो है भाई उन्होंने परफॉर्म किया है। तो भाई ये बहुत ज्यादा तगड़ा होगा और इसके अंदर खून खराबा, ब्लड, मतलब एक्शन का मतलब जो डिजाइनिंग ओवरऑल होगा, मतलब एक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अलग देखने को मिलेगा। क्रिंजी ऐसा कुछ वाइब नहीं आएगा। आप लोगों ने किल मूवी तो देखा होगा, उसके अंदर जो भाई मतलब जो खतरनाक लेवल के जो मतलब शूट किया गया था पूरे ट्रेन के सीक्वेंस के अंदर जो एक्शन को दिखाया गया था, वैसा अगर देखने को मिल जाए तो भाई कहानी खत्म है, भाई कहानी टोटली खत्म है। यहाँ पे मेगास्टार सलमान खान और उसके ऊपर इस तरीके का एक्शन, मतलब क्या बोलूं यार, भाई मजा आ जाएगा अलग लेवल। क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भाई यहाँ पे खाली नॉट ओनली सलमान भाई, सरमन जोशी भी है और हैदराबाद के फैलोकुमा पैलेस में जितने भी लोग थे, मतलब हैदराबाद के शेड्यूल के अंदर जितने भी लोग थे सब जो है इसके अंदर इंक्लूड है। लगभग सभी इसके अंदर इंक्लूड है जो कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं पोस्टर दिखा रहा हूं। तो भाई तगड़ा सीन होने वाला है इसके अंदर।
बाकी शूटिंग बढ़िया तरीके से चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलेगा। बाकी इसके बाद शायद मैक्सिमम शूटिंग जो एक्शन के जितने भी ब्लॉक्स है वो खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ गाने बचेंगे। एक तो गाना वहां पे शूट हो चुका है जो फैलकोमा पैलेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किंग्स के फैमिली वाला, वो तो अलग लेवल शूट हुआ है, वो तो देखने को मिलेगा। बाकी दो और है शायद, तो वो खत्म होने के बाद आई होप कि इसका जो ओवरऑल कुछ हमें इसके बाद देखने को मिलेगा शायद उसके बाद ही होगा, जो कि भाई के बर्थडे के अंदर ही आई होप होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि वरदा मैम को जो है आप लोग काफी सारे ट्विटर के ऊपर मतलब ट्वीट व्वीट उनके पीछे भर रहे हो, तो भाई उनके पीछे भर के कोई मतलब है नहीं। फाइनल जो डिसीजन है वो सलमान भाई लेंगे, एयर मुर्गेदो सर लेंगे और साजिद नाडियाडवाला, ये तीनों ही मिलके जो है फाइनल डिसीजन लेंगे। आई होप कि जो पोस्टर है या फिर कुछ और प्रोमो या फिर ज्यादा मेहरबान हो जाए तो टीजर नहीं लगता, बट कुछ तो तगड़ा भाई के बर्थडे के अंदर आएगा। एंड ये जो पूरा एक्शन सीक्वेंस है जो देखने को मिलेगा इसके बाद, जो और एक वॉरियर आ रहा है, आई होप एटली का जो एक्शन बुनैनजा होगा उसके अंदर और ज्यादा मजा आएगा। तो आएगा धीरे धीरे और भी बातें करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।